चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कौन सी भी ज़मीन पर रहने वाला इंसान हो, ज़ात कौन सी भी, हम दोनों सारे धर्मों के लिए और सबके लिए अल्लाह का कलाम उतरा है, सबको फैज़ देने के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के भी नबी और सबके नबी है। अच्छा, मुसलमानों को कुछ विरासत में नहीं मिले, हिंदू लोग भी इबादत कर सकते अगर करना है तो महसूस इबादत के लिए। क्योंकि मैंने ये देखा हूँ बहुत सारी दास्तान के, ऐसा ज़रूरी तो नहीं जो लोग परेशान है तो हिंदू है वो ज़ात का, कोई और ज़ात का है, कोई और ज़ात का है तो उनके लिए फैज़ नहीं है, ऐसा नहीं है। सबके लिए अल्लाह ने उसका कलाम उतारा फैज़ बोलकर, सब तुम भी पढ़ सकते थे, नहीं बोलकर नहीं ज़रूरी, हिंदू लोग भी पढ़ो, मुसलमान भी पढ़ो, जो जो धर्म के लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचती है सब पढ़ो। पढ़ने के बाद तुम देखो तुम्हारे दिल को खुद कैसा सुकून मिलेगा, और सुकून ऐसा मिलेगा हो कि तुम्हारे ऊपर के जो सब चीज़ें हैं ये करने का उठाला जादू कौन है, तुम कोई परेशानी में मुबतला है या कहीं में भी, तुम पढ़ो, तुम जैसा जैसा पढ़ना चालू करेंगे वैसा वैसा तुम्हारे दिल को सुकून मिलना चाहूँगा। तुम याद करो, खुद दो सूरे याद करो, जितना तुम्हारा याद होता उतना पढ़ो, आठ दिन में एक बार पढ़ो, पढ़ो। तुमको दुनिया की कौन सी भी बड़ी चीज़ अगर होना ख्वाहिश है तुम्हारा, कोई भी अवार्ड मिलना या कुछ भी एक्स वाई ज़ेड या घर मिलना कुछ भी, तुम अल्लाह की किताब पढ़ के देखो, दिल से पढ़ो तो मिलना, तो दुनिया ही जो भी चीज़ है तुम्हारा फौरी मिल लेंगी तुम अगर वो तलब करके पढ़ेंगे तो। और तुम महफूज भी रहेंगे जादू टोनों से, एक करनी कौटालों से, एक दूसरे पर जो वार कर रहे लोग, ये हसद जलन जो चल रहा, ये बहुत बहुत बुरी चीज़ है, ये हसद और ये जलन ये ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देती है। फायदा चल रही है, मैं देखा हूँ दास्तान बहुत कुछ, मैं इतना भी कि मैं बयान नहीं कर सकता कि मैंने क्या क्या नहीं देखा, कौन किस पर जादू टोना चला रहा, कौन क्या दास्तान चल रही, इंसान का गुस्सा जो है। लेकिन तुमको भी तो अल्लाह ने डिफेंस दिया ना, तुम्हारी सबसे बड़ी डिफेंस अल्लाह का कलाम, सलाम लाही। तुम पढ़ो, पढ़ के इबादत करो, मैं नहीं बोल के नहीं, हर ज़ात और हर धर्म वाले बच्चों को मैं गाइड करा, मेरे पास में कोई भेदभाव नहीं था, सूफीज़म में अल्लाह के धर्म में कोई भेदभाव नहीं रखा, सबके वास्ते एक समान, सबको एक समान देखा मैंने, सबको एक समान गाइड करा, और मैंने क्या करा क्या नहीं करा सारा प्रैक्टिकल में बताया। अब ये जो बातें बता रहा हूँ ये मेरा तजुर्बा है, अब इस पर तुम अमल करेंगे तो बचेंगे, नहीं करेंगे तो किसका क्या देंगे। और बार बार मैं ये कहूँगा कि जिसको दर्द होता उसको ही ज़ख्म का एहसास होता, और बाकी जो दूसरे लोग रहते वो तो क्या है, बेवकूफ़ बैठ के मज़े लेते रहते, बोलते रहते हैं जिसको कुछ नहीं होता तो, और जिस पे बीतती उसको ही पता चलता। मिसाल के तौर पर किसी को ज़ख्म हुआ, तुमको ज़ख्म हुआ, तुमको दर्द हो रहा, बाजू वाले को थोड़ी एहसास होता कि तुम्हारा क्या ज़ख्म हुआ और क्या तकलीफ हो रही है। चलो खैर, सब लोग अमल करो ज़्यादा से ज़्यादा, मैं क्या बोला और कुछ इसके अलावा कुछ नहीं बोलूँगा, कहने सुनने ज़्यादा तुमको अल्लाह का अमल करने की तौफीक दें। और जोर से, जोर से, पूरी ताकत लगा तेरी कितनी है, दो और जोर से, हाँ जोर से, जोर से और जोर से, हाँ लगा पूरी ताकत, हाँ लगा पूरी ताकत लगा और जोर से, कब मारो बोले, कहाँ से कौन, हाँ लगा पूरी ताकत, जलाओ उसको जरा तेज से, हाँ जकड़ो उसको और तेज से, कपड़ा ले उधर से पीछे से, लगा और तेज से, पूरी ताकत लगा, जा तू इतने जल्दी सिलेंडर, हाँ कितने साल से परेशान कर रहा था, हाँ दो साल से, क्या दास्तान थी, कहाँ से आया था, कोई भेजे थे जादू टोने से, क्या खुद ब खुद आया था, खुद आया था, खुद आया था, कैसा क्या, उनको हैरान करना, कहाँ मिली थी वो बच्ची, देखो रोड पर मिली थी, कैसा क्या मिल गई, ऐसा कैसा, रोड पर सोते थे वहाँ, हाँ
ऐसा चाकू मिली। हाँ अभी अभी उनको बहुत हैरान कर रही थी। हाँ। हाँ। और क्या कर रहा था तू अंदर, उसको बीमारियां लगा रहा था, क्या कर रहा था? हाँ उनके बहुत दवे खाने को जाना बोल को बहुत तकलीफ दे रहा था। जाते थे दिखा लेते थे। अच्छा दवा खाने लगा दिया था उनके पीछे। हाँ। दवा खाना उनको क्या भी नहीं बोलता करता था। हाँ। वो रात को उनको नींद नहीं करने देता था, बहुत तकलीफ देता था। और उनको क्या भी नहीं करा। कहाँ मिली थी वो बच्ची थी को, क्या नाम है पेशेंट का? मखतुम भी कहाँ मिली थी तुझे? मेरे को हाँ वहाँ रोड पर मिली थी। कैसा मिली थी? ऐसा दोस्ती में मिली थी। क्या गंदे अंग से जा रही थी? गंदे क्या? नमाज पढ़ के जा रही थी, क्या इतर लगा के जा रही थी, कैसा, क्या क्या वजह से पकड़ा तू? वो औरत भी गंदा थी। हाँ देखो इबादत करती थी, नमाज पढ़ती थी, तो तू नहीं पकड़ता था उसको, बरोबर? नमाज नहीं पढ़ी थी, गंदे आंग से थी, बल्कि पकड़ लिया। मैं गंदा आती, वो औरत भी गंदा आती। अच्छा तू औरत ही आदमी है मरे वाला? औरत हूँ मैं। औरत है, कैसा मरी थी? मैं चुप बीमारी लग को मरी थी। कहाँ रहती थी? मैं वहां रहती थी बाजू। कहाँ पर? उनके घर के बाजू, उधर बाजू रहती थी। क्या नाम था तेरा मरने से पहले? मरने से पहले मेरा चिन्नम्मा था। हाँ मेरा नाम चिन्नम्मा था। अच्छा फिर कितने लोगों को मारी अभी तक तूने? इसको भी नहीं मारी मैं। मर के कितने साल हो रहे तुझे? मर को 5-6 साल हुआ। देखो अच्छा तेको कैसा मारे थे, बीमारी से, एक्सीडेंट से, जादू टोने से? नहीं नहीं मैं भी बीमारी पड़ी थी। अच्छा बीमार पड़ को मरी थी? बहुत दोस्ती थी। हाँ वो मैं बच्ची के ऊपर रही थी, उनकी बेटी के ऊपर। अच्छा आको बच्ची का भी हाँ बच्चा हाँ मार दिया मैं। अयो कई को? वो बच्ची भी मुझे दिखी थी। तो दिखने को बच्ची को क्या करी नहीं मैं। कितने बच्चे मारी उसके तूने अभी नहीं, तक? नहीं नहीं एक ही मारी। एक ही मारी। तो कहाँ से भेजे थे तुझे वो मारने को? कौन बोला था? कोई बोला था क्या मार दो बच्ची को? बच्ची भाई रही थी। हाँ भाई रहने में हाँ ऐसा हामिला में हाँ घुस गई मैं उसे। अच्छा वो अभी बड़ी भी आए थे अंदर, क्या नाम है उनका? हुसैन भी। हुसैन भी पे घुटने खराब हो जाना, कंबर के नीचे से पवा चले जाना, बोल के कौन जादू करा था वो? वो मालूम। हाँ मुझे मालूम। कौन है वो औरत थी आदमी था? मुझे मालूम। क्यों नहीं मालूम तुझे? उनको नहीं पहचानती तू हुसैन भी को? अच्छा मैं बेंगलुरु में रहती हूँ। अच्छा वो हुसैन भी पर कौन है, औरत ही आदमी है, शैतान? मुझे मालूम। अच्छा तू बेंगलोर वाली चिरोड़नी है, तुझे नहीं मालूम? मैं वहाँ वाली वो भी मांस रहती। फिर तू क्या सोची थी इसको मार के साथ में लेके चल जाना? हाँ इसको बहुत हैरान भर कर कर को। क्या नाम का? मखतुम भी कुमार के साथ मिल जाना सोची थी। हाँ। अच्छा मखतुम भी के घर से और कितने लोगों को मारने का सोची थी? नहीं नहीं। अच्छा मखतुम भी को कैसा मारने वाली थी? तो ऐसा दोस्ती में जोड़े में रहेंगे। हाँ ऐसा सोची। कैसा मारने वाली थी? मारने वाली कैसा तो थी? उसको हैरान कर को वो इतर लोग दम करके नाक को लगाओ, उनके नाक पे, खांदो पे और पीठ पे सब तरफ लगाओ, इसके पांव हाथों को लुग करना बोल को, एक एक उंगली लगा के हटो जल्दी जल्दी। लगा पूरी ताकत लगा तेरी, और जोर से इनके आंख पे कितने बार हाजिर हुई वो? यही फर्स्ट वहाँ एक टाइम हाजिर हुई मगर जी नहीं बोल को बोली गई थे बात बोल को, फिर वहाँ जाने वाले थे उन्होंने वही आना है। बीमारी बीमारी समझ रहे थे कैसे पहले? हाँ बीमारी भी बोलते चेक कर रहे थे, दवा खाने मुझे बहुत पैसे लगे। जकड़ लो इसको और तेज से। अच्छा इसको कैसा बीमारी में जुरा जुरा के मार देने वाली थी मखतुम भी को? हाँ साथ में ले जाने का इरादा था क्या? हाँ अच्छा तू मर के कहाँ रही थी, झाड़ पे, पेड़ पे, नदी में, नाले में, कहाँ रही थी, कहाँ है तेरा बसेरा? मुझे तालाब में गाड़े थे। अच्छा चलाए थे। हाँ मैं वहाँ रहती थी, वहाँ बुला ले जाती। इसको मार के वहाँ तालाब का नहीं ले जाने वाली थी? हाँ
क्या पूछाने का है और कुछ? और कुछ भी नहीं, उनके बच्चे थोड़ा जवान था। किन के बारे में पूछने का? बहू बेटा और जो बेटी जवान के बारे में पूछने का। क्या पूछने का? वही जो उनकी भी ऐसी किरकिरी है। अरे वो लोगों को कौन सता रहा? उसके बेटे को, बहू को, बेटी को, सबको तुझ कर रही थी क्या? हाँ। क्या उनको भी अलग अलग है जादू टोना? मैं को भी नहीं, बच्चे को नहीं सताती। हाँ, वो दूसरे है क्या? वो उनको सताती थी। क्या करके परेशान करके सता रही थी? इनके पाँव हाथ में सिर में। हाँ। बहुत दर्द को। किन किन के नाम बोल उनके? किन किन के? कौन भी नहीं, मैं अकेली। नामा किसको सता रही थी तू? उनके नामा बोल, मतलब बहुत मारने लगूंगा पूरा। उनका नाम मखदूम भी है। हाँ, और मखदूम भी के बच्चों को? बच्चा को कुछ नहीं बोली, क्या अभी नहीं बोली। शोर कैसा? मखदूम भी के शोहर कैसे क्या मारे? बीमार लगू। सही बोल, सही बोल। खैर अभी तक जला देता हूँ। जकड़ लो जरा उसको, उसके हाथ में से भी आग लगाई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जलाओ उसके हाथ में, आग लगा दो तेजी से ही। काट दूं दोनों हाथा? हाँ, सही बता। मखदूम भी का मर्द कैसा मरा? नहीं, उन्हों बीमार लगे थे। क्या तूने मारी थी? उनके क्या दूसरे लोगों ने जादू टोना करके मारे? नहीं नहीं नहीं, मैं किनके पास जादू करी नहीं, क्या करी नहीं, उनको बीमार थे। हाँ, उन्हों साल हुआ था उनको बीमारी लग को। कितना टाइम रहा मर के उनके शोहर को? दो, एक साल डेढ़ साल होगा। और डेढ़ दो साल से तू आई इसके आंग पे? हाँ। कहीं तूने तो नहीं मारी? सही बोल। नहीं नहीं, उनको मैं हिला। हाँ। नहीं बोला। इनको सताती थी। उनके जोर मरे बाद में बहुत सताई इनको। क्या करी? वो इनको बहुत हैरान, दवे खाने जाना। सारे बीमारियां लगा रही थी तू। जाने का नहीं बोला मैं अभी? पकड़ो उसको, नाला कूटने तो पूरा जला दूंगा। और जल दे, और जल दे। जाने का हुक्म नहीं दिया मैं तुझे, जल्दी उठ। जकड़ो जकड़ो उसको जरा तेज से जकड़ो। जाने का हुक्म नहीं दिया तुझे? कहाँ भाग रही अभी? जाने का हुक्म दिया मैं? हाँ, जा तुम। जा तुम। अब उनको क्या नहीं करती? नहीं तेरा भरोसा नहीं, तू नहीं जाती? नहीं नहीं नहीं, बात दिए बात जुबान। सही बता, उसके बेटे को कौन परेशान कर रहा मखदूम भी के? बच्चा को मैं कुछ नहीं बोली। वो दूसरा जादू टोना इनके ऊपर? नहीं नहीं। हाँ, फिर क्या है? बच्चा का क्या नहीं बोली, उनके घर में क्या भी नहीं करी, इनको भी तकलीफ। चल जा भाग। अरे क्या होगा, इनको पानी पिलाओ। हर बच्चे, हर बच्चे कहाँ गए? कहाँ से आए? आए पर हेलो, पानी पियो। बाटल अंदर जो भी लाए उनके बाटला उनको खोलने देना, उनके बाटलों को उनको ढकने को लगाने को देना, स्प्रे वो सब अपना काम नहीं हो लगाना। अपने अपने हाथ से सिल फोड़ना, लोगों ने अपने अपने बाटलों को अपना अपना स्प्रे को ढक्कन लगा के अंदर लाना, और अपनी अपनी बाटल साथ में पकड़ के अंदर लेके आते जाना, दूसरों के हाथ में देना नहीं, खोलो अन करो बोल के। कहाँ से आए थे? वाड़ी का। कहाँ से? वाड़ी को आए थे। क्या हुआ था? देखिए क्या दास्तान चल रही, तो सब ऐसे खेला है ये। जीन बताते हैं,
जीन है कौन बता दे जीन है घर में घर का जाए घर में रहता और घर से बाहर नहीं जाता वो तो बताए तुम ठीक है ना अभी क्या था कल्चर भी को सुनना मांग रहे दुआ मोमिन के लिए हथियार है अल्लाह का गहरी स्वास्थ्य से दुआएं याद करना दुआएं याद करेंगे इबादत करेंगे तुम लोग ज्यादा से ज्यादा एक हम डाल उधर से ज्यादा से ज्यादा दुआएं करेंगे जिक्रस्कार दुआएं याद करेंगे घर से बाहर निकलने की घर में दाखिल होने की खाना खाने की खाने के बाद की खाने की दोनों की हर चीज की दुआ तुम महफूज रहेंगे नहीं तो देखो ये ऐसा हो जाता शैताना कैसे भी पकड़ लेते गंदे अंग से अंग लगे या कैसा भी जैसा उनको मौका मिला होता है हमले करते और भी बहुत सारे राज रहते बहुत सारे दास्तान है तुम्हें बता दिया हूँ सबसे मेन बात इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो और तुम्हारी ढाल ही इबादत की सब बातों से महफूज रहेंगे अगर इबादत ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो बाकी तुम्हारे छोटे छाटे जादूगरों के चक्करों में मत जाओ वहाँ जाने से तुम्हारा ईमान भी खराब हो जाता तुम्हारा दीन भी खराब हो जाता और तुम्हारी दुनिया भी खराब हो जाती है तुम्हारी दौलत भी खत्म हो जाती है चारों तरफ से तुम्हारे पे जवाल आके नाजिल हो जाता है सबसे बेहतर है कि एक बार भी नहीं जाना कोई भी जादूगर के पास नहीं जाना और इबादत ज्यादा से ज्यादा करना इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो इस बातों से महफूज रहेंगे इबादत नहीं करेंगे तो फिर जो ना मांगे सीख फिर वो मांगे तब तक ठीक ऐसी बात है जो सबसे बेहतर है कि इबादत की रस्सी को मजबूती से थामना क्योंकि मैं जो देखता हूँ तो मुझे देखने के बाद बहुत अफसोस होते सारे ना दास्तान जादू टोने की दुनिया कि इंसान कैसा अनापने में घमंड में फखर में मैं हूँ तो कोई नहीं पने में चले जाता और इबादत अगर करते रहेंगे तो इबादत की रस्सी पहले से मजबूत थामेगा मजबूती से थाम के रहेंगा तो बच जाएगा महफूज रहेगा और नहीं मैं बातों को नहीं मानता मैं वो नहीं मानता मैं जिन्नात नहीं मानता मैं शैतान नहीं मैं जादू टोने हर चीज का जिक्र है कुरान में सब आगे अलग पढ़ो सब मालूम होता मानना पड़ता हमारा ईमान है उसके ऊपर हमने कुतुबों पर वलियों पर पैगंबरों पर बुजुर्गान दीनों पर जादू पर शैतान पर जिन्नात पर हर चीज़ पर ईमान लेकर आए क़यामत के दिन पर हश्र के मैदान पर अल्लाह और उसके रसूल पर हर चीज़ पर ईमान है अगर तुम इसमें से एक भी चीज़ का इनकार करेंगे तो फिर तुम काफिरों में जाने देंगे तो इस वास्ते मानना तो है बेशक पत्थर की लकीर हमने ईमान ला वाला इस चीज़ों के ऊपर है बोलकर कुरान ने बता दिया और हमारा ईमान है कुरान पर इसलिए इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो इन सब बातों से महफूज रहेंगे और ऐसा है ये जादू टोने की ऐसी चीज रहती है जब इंसान पूरा तबाह बर्बाद हो जाता है जब पता चलता है कि जादू चला अल्लाह है बाद में उसका ना आंखों ना रहते ना कुछ रहता ना खाने को जाने को फिर परेशान हो जाता फिर कैसा हटाऊ बोल के तो पहले से ही मजबूती से तुम रस्सी को इबादत की थाम करेंगे तो कुछ चला नहीं सकेंगे महफूज रहेंगे मुझे बहुत अफसोस होता बहुत सारी दास्तान ऐसे मैं देखता हूँ तो कि जिन नहीं माने माने तक अब लोग बोलते हम मानते नहीं मानते नहीं मानते नहीं जब तुमको मानने का टाइम आता जब तक तुम्हारे पास कुछ नहीं बसता ना खून भी नहीं रहता कुछ आने को फिर क्योंकि जादूगरा जो छोटे मोटे घुंगरे भांगरे ये भी जो रहते इनके रस्तों को तुम और बर्बाद कर देते कोरा क्योंकि फैज देने वाली जात अल्लाह की और जहमत और तकलीफ और जख्म देने वाली जात शैतान की है और जख्म से तकलीफों से और ये सब चीजों से राहत देने वाली जात अल्लाह की है फिर शैतान के पास कहां से मरहम लगाने की ताकत रहेंगी रहमत जहाँ बरसती वहां पर जख्म पे मरहम भरने लगेगा वहां जख्म भरे देगा वहां से तकलीफें दूर होंगे जहां रहमत नाजिल होंगी तो शैतान के पास रहमत कहां है फिर काला जादू से कहां से कटेगा नहीं कटता ना और ज्यादा बढ़ते जाता मगर कटता नहीं तो ये बहुत सारे बातें इन शॉर्ट में बताएंगे खैर पहले सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तरफ दे चलो रोको कहाँ से आए थे वो श्यामा जाने गुलबर्ग चलो रोको।